लेट ए इज इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स दिया है बी इज इक्वल टू ये भी एक मैट्रिक्स है और इसमें दिए तीन कॉलम्स है वो है बी वन बी टू बी थ्री वेर बी वन बी टू बी थ्री आर कॉलम मैट्रासेस एंड ए बी वन इज इक्वल टू दिस ए बी टू इज इक्वल टू दिस ए बी थ्री इज इक्वल टू दिस तो यहाँ पे थ्री इक्वेश दिए हैं मैट्रासेस के इफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स एंड बीटा इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू तो ये जो इक्वेशंस दे हैं इन्हीं से हमें कुछ वैल्यू पता चलेगा हम बी डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं क्या होगा तो बी डिटर्मिनेंट हमें पता नहीं है क्या है इसमें जो कॉलम्स है वो भी बी वन बी टू बी थ्री है तो हम ऐसे करते हैं बी मैट्रिक्स जो है उसको खुद से पूरा अज्यूम करते हैं तो ये थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स होगा क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू बी वन इज इक्वल टू ए है तो बी वन में जो है वो तीन रोज़ होने चाहिए और बी में तीन कॉलम्स हैं तो इसमें हम इसे एज्यूम कर सकते हैं ए बी सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो ये नाइन एलिमेंट्स बी के हम एज्यूम कर लेते हैं इसका मीनिंग है कि बी वन जो है वो होगा ए डी जी बी टू जो होगा वो बी ई एच इस तरह से होगा बी थ्री जो वो थर्ड, हो थर्ड कॉलम होगा अब हम ये जो तीन इक्वेशन दिए हैं मैट्राइसिस के इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन अगर देखेंगे ए इंटू बी वन तो ये ए मैट्रिक्स है और बी वन जो है वो ए डी जी होगा तो अगर हम थोड़ा लिख लेंगे फिर से तो ऐसा होगा टू जीरो वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो वन ये है ए फिर यहाँ पे बी वन होगा वन सॉरी बी वन को हम लिखेंगे ए डी जी ए डी जी और इसका वैल्यू हमें दिया है ए बी वन का वैल्यू वन जीरो ज़ीरो इसको हम और एक्सपांड करके लिखेंगे जैसे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू होगा वन तो ऐसे लिख सकते हैं हम टू ए प्लस जी इज इक्वल टू वन इसी तरह से सेकेंड रो से हमें मिलेगा ए प्लस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो और थर्ड रो से मिलेगा ए प्लस जी इज इक्वल टू जीरो इन तीनों इक्वेशन से हम ए डी और जी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जैसे फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन सब करेंगे तो ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वन अगर ए का वैल्यू वन है तो डी का वैल्यू होगा माइनस वन सेकेंड इक्वेशन से इसी तरह से जी का भी वैल्यू होगा थर्ड इक्वेशन से। अब सेम exactly हमें रिपीट करना है बस अब बी टू लिखेंगे जैसे सेकेंड इक्वेशन है ए इंटू बी टू इज इक्वल टू दिस हम जो है यहाँ पे बी टू को लिखते हैं और यहाँ पे टू थ्री जीरो नंबर लिखेंगे तो बी टू हो जाएगा ई एच बी एच और यहाँ पे होगा टू थ्री जीरो अब इसको एक्सपांड करेंगे एग्जैक्टली exactly इसी तरह से तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगा टू बी प्लस एच टू बी प्लस एच इज इक्वल टू टू सेकेंड रोज से जब करेंगे तो आएगा बी प्लस ई इज इक्वल टू थ्री और थर्ड रो से जब करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो आएगा बी प्लस एच इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन सब करेंगे तो बी का वैल्यू हमारे पास आएगा टू अब बी का वैल्यू अगर टू है तो ई e का वैल्यू होगा वन और थर्ड इक्वेशन से एच का वैल्यू होगा बी का वैल्यू टू है तो एच का वैल्यू होना चाहिए माइनस टू एक्जैक्टली इस तरह से अब थर्ड इक्वेशन के लिए लिखते हैं तो हम बस यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है वो बी थ्री लिखेंगे और यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं वो लिखते हैं तो बी थ्री होगा सी एफ आई सी एफ और आई और यहाँ पे जो नंबर दे थ्री टू वन इसको भी सिमिलर तरह से एक्सपांड करेंगे फर्स्ट जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा टू सी प्लस आई इज इक्वल टू थ्री सेकेंड रो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी प्लस एफ इज इक्वल टू टू थर्ड रो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी तो का वैल्यू टू सी का वैल्यू अगर टू है तो एफ का वैल्यू जीरो होगा सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में देखते हैं सी का वैल्यू अगर टू है तो आई का वैल्यू माइनस वन होना चाहिए तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा बी मैट्रिक्स जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी डी एफ ये सब कुछ हमें मिल गया है ए है यहाँ पे वन डी है माइनस वन और जी है माइनस वन इसके बाद बी है टू ये है 1 ये माइनस टू और थर्ड पे टू जीरो माइनस वन तो ये बी है तो अल्फा जो है वो बी का मॉड है अब बी का मॉड हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं तो बी का मॉड अगर एक्सपेंड करेंगे हम आगे तो इसमें लिख सकते हैं वन

तो बी के जो डायगोनल इन सब का सम होगा वन प्लस वन माइनस वन तो ये होगा वन तो बीटा का वैल्यू होगा वन अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब थ्री क्यूब प्लस वन क्यूब तो यह होगा ट्वेंटी सेवन प्लस वन तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्वेंटी एट